असल फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल शबनूर अली ये बॉलीवियन जू की कुछ कटिंग्स हैं जो मेरे पड़ोस के एक भाई हैं उनके घर के बाहर हैंगिंग बास्केट्स में ये लगी हुई थी और काफ़ी खूबसूरत लगती है तो मैंने उनसे मांग ली हैं पौधे मांगने में कोई शर्म नहीं है और ना पौधे देने में अभी इससे पहले मैंने दो एक पौधे ग्रो किए हैं जिसमें से ये ब्लैक कंटेनर बच गए हैं छोटे हैं तो इस वाइन को वाइन ही कह सकते हैं ग्रो करने के लिए जिसका डायामीटर हो यानी चौड़ाई में हो ऐसा पॉट आपको लेना है और गहराई तीन से चार इंच तक की चलेगी इसकी रूट्स जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं और हर स्टैंड में चारों तरफ से ही इसकी जड़ें आती हैं इसी वजह से आप इसको इस तरह से ग्रो कर सकते हैं सिर्फ़ रख दीजिए अगर मिट्टी के ऊपर तो इसमें से जड़ें फैल जाएंगी, डेवलप हो जाएगा ये प्लांट लेकिन हम इसको अच्छे से लगा देते हैं हो सकता है कि कुछ टहनियाँ सूख जाए और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी टहनियाँ सूखें प्लांट्स की बर्बादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए अभी क्योंकि मैंने मांग कर लिया है तो अभी इसको अच्छे से ग्रो कर लेते हैं जब ये चल जाएगा और काफ़ी हमारे पास हो जाएगा तब तो हो सकता है कि हम थोड़ी सी केयर ना करें लेकिन अभी ही मेरे लिए ये बहुत वैल्यूबल है क्योंकि मैंने मांग कर ली है तो कीमती है मेरे लिए पौधे तो वैसे भी बहुत कीमती होते हैं वो भी खुशी खुशी अगर लगाते हैं फ्री में तब तो और भी अच्छा लगता है तो मैंने मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई कर लिया है और ये मिट्टी मैंने पहले से तैयार की हुई है इन प्लांटर्स में जब भी कोई मिट्टी रेडी करते हैं फ्रेंड्स तो आपके साथ शेयर करते हैं और जो बच जाती है मिट्टी उस पॉट में भरने के अलावा तो ये खाली कंटेनर्स में या ग्रो बैग्स में हम भर देते हैं फिर भी थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते हैं कि मिट्टी इसकी आपको कैसी बनानी है मिट्टी वेल ड्रेन ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये बॉलीविन जियो के प्लांट्स हैं ये टर्टल वाइन की तरह है इसकी लीव्स में काफ़ी पानी स्टोर रहता है और सकलेंट्स की तरह इनको चलाना पड़ता है तो इस वजह से सेंड तो ज़रूर मिलाना है तो आपको क्या करना होगा कि जो आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं ना अगर आपने फिफ्टी परसेंट गार्डन सॉइल ली है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको सैंड रिवर सैंड मिला लेनी है और बाकी की कंपोस्ट मिला लेनी है इस तरह से मिट्टी तैयार कर लीजिए और फंजी में हल्दी पाउडर या सेनेमन पाउडर या फिर आपको ले लेना चाहिए चारकोल पाउडर मिट्टी में मिलाकर तैयार कीजिए और जो कंटेनर है उसमें होल बना लीजिए ज़्यादा से अगर एक है और नहीं तो आप इस कंटेनर में तो काफ़ी सारे होते ही हैं तो बॉलेबिन जियो के प्लांट को आप ग्राउंड कवर के तौर पर भी लगा सकते हैं जिस जगह पर खाली है प्लांट अक्सर ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं नीचे खाली स्टेम रह जाता है तो उसकी मिट्टी पर आप लगा दीजिए ये कवर कर लेगा है जिस बनाए जाते हैं इसके और मौसम आप देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं तो मुझे रेनी सीजन अच्छा तो लगता है लेकिन भीगना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है इसीलिए बस जल्दी जल्दी ग्रो करके हम तो भागने वाले हैं बूंदे तो गिर रही हैं हल्की हल्की और बॉलीबीन ज्यू लगाने के बाद मैंने उस पर थोड़ी सी वाटरिंग की है इसके बाद आपको तब तक वाटरिंग नहीं करनी है जब तक कि इसकी मिट्टी सूखे ना इसकी पत्तियों में क्योंकि पानी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है तो जब ज़रूरत पड़ती है तो ये पत्तियां सप्लाई करती हैं प्लांट को इसी वजह से इसमें बहुत कम वाटरिंग कीजिएगा ग्रो होने में ज़्यादा टाइम ये प्लांट नहीं लगाता है तीन चार दिन में ही लगकर तैयार हो जाएगा और ग्रोथ भी करने लगेगा और इसे आप बॉल शेप में भी बना सकते हैं बहुत से शेप में इसको रख सकते हैं खूबसूरत सा तो वो सब आपके साथ हम बाद में शेयर करेंगे बूंदी गिरने लगी हैं तो हम चलते हैं जल्दी से और ख़ूबसूरत सा आसमान देख लीजिए तो तेज़ होती बारिश में आ, मेरे गार्डन का क्यूट सा व्यू आप देख सकते हैं आप देखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इस प्लांट को ज़रूर ग्रो कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़